अगर हमारा गुस्सा उबलता है तो इसलिए। हमने कभी राम के मुतालिक चरित्र पर बात नहीं की, हमने कृष्णा के चरित्र पर बात नहीं, हमने कभी गौतम बुद्ध के बारे में बात नहीं की, हमने कभी गुरु नानक के चरित्र के बारे में बात नहीं की, हमने कभी यहाँ के मुकद्दसात के बारे में बात नहीं की, तो तुम कौन से कुत्ते हो जो मेरे मोहम्मद अरबी पर भोंकते हो? तुम्हें क्या हक बनता है मेरे दीन पर उंगली उठाने का? हम किसी दीन और धर्म पर बात नहीं करते, अपने दीन में जैसे रहना हो क्या फर्क पड़ता है? मगर इतनी बात कान खोल करके सुन लो, तुम हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहो, तुम यहूदी रहो, तुम ज्यूज हो, तुम सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आर्यन हो, सनातनी हो, मुझे इससे फर्क नहीं। लेकिन इतनी बात कहूंगा, इस धर्म में भी रहना है मेरे नबी से छेड़छाड़ मत करो। नबी ये कर्म की जात पर अगर उंगली उठाओगे फिर हम जवाब भी देंगे, इसलिए कि कल तुमने ये समझ रखा है कि ये कौन से बिल्डोजर से डर जाएगी। अगर ये कौन से लाठी टंडल से डर जाएगी तो चंगेज भी करके देख चुका है, हलाकू भी करके देख चुका है, यजीद भी करके देख चुका है, लाखों बच्चों को हमारे कतल करके भी देख चुका है। बगदाद, कर्नाटक, मिस्र, ट्यूनिस, लीबिया, मराकश, सारे शहरों को उजाड़ करके जालिमों ने देख लिया है। उस वक्त जब इस्लाम नहीं मिटा था तो इस नशेड़ी हुकूमत